इस टॉपिक के अंदर हम सेम जो हमारी ड्राइंग जिसको हमने एक्सट्रूड करना सीखा है उसमें हम डोर्स और विंडोज़ की स्पेसेस कैसे इंश्योर करते हैं, मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे फॉर एग्जांपल दोनों तरीके दिखा दूंगा कि हमने विंडोज़ की स्पेसेस कैसे क्रिएट करनी है, सेम मैनर में हम डोर्स की स्पेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास दो तरह के जो हैं, जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की कि हम कैड की फाइल लेकर भी 3ds Max में आते हैं जिसको हम एक्सट्रूड करते हैं, दूसरा मेथड ये है कि हम डायरेक्ट जो है 3ds Max के अंदर भी बना सकते हैं, 3D Max यानी अंदर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हमने कोई भी चीज़ जो 3ds Max के अंदर क्रिएट की है तो उसमें तो डोर्स और विंडोज़ की जगह हमें खुद निकालनी होगी, यानी सब्ट्रैक्ट करनी होगी उसके अंदर जिसके अंदर हम विंडोज़ प्लेस करेंगे। बट अगर हम कैड की फाइल लेकर आए हैं तो नॉर्मली हम डोर्स और विंडोज़ डिलीट करके आते हैं जिस तरह हम भी लेकर आए हैं उसके लिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि दीवार जब हमारी खड़ी हो गई है, अब हमने तो बिल्कुल वो जगह डिलीट की हुई है, यानी आप दीवारें बन रही हैं तो उसके दरमियान अगर विंडो है तो वो दोनों दीवारों के दरमियान पूरा गैप है, लेकिन विंडो पूरी दीवार पर नहीं होती। इसका विंडो जब हम लगाते हैं नीचे से भी दीवार मिली हुई होती है, ऊपर से भी मिली होती है जिसको हम सिल लेवल नीचे से कहते हैं, तो दरमियान में विंडो होती है। तो हम देखेंगे कि किस तरह अगर हमारे पास वॉल पूरी मौजूद है, क्योंकि अब हम 3D में बात कर रहे हैं, तो किस तरह हम नीचे वाली दीवार भी मिला दें, फॉर एग्जांपल 3 फीट, ऊपर अगर हमने 1 फीट रखना है तो दरमियान में हम विंडो की स्पेस बनाएंगे। तो हम दोनों मेथड्स जो हैं विंडोज़ पे करके देख लेते हैं, सेम गोज़ फॉर डोर्स, डोर्स में भी बिल्कुल ही सेम होगा, और हम देखते हैं कि किस तरह हमने जब स्पेसेस क्रिएट करनी होती हैं तो वो हम क्रिएट करते हैं। तो बढ़ते हैं 3D की तरफ ताकि हम फॉर्मली इस दोनों चीज़ों को ऑपरेट करके देखें। तो ये हमारे पास हमारी जो प्रीवियस जहाँ पे हम वर्क कर रहे थे और हमने देखा था कि हमने वॉल्स को जो है ये, अगर आप मैं इसको यहाँ से रोटेट करूँ तो आप नोट करें तो वॉल्स लग चुकी हैं, प्लेन हमने नीचे लगा लिया है, प्लेन का कोई भी कलर हमने पिक किया, और जब भी हमने सिलेक्शन करनी होगी सो ये हमारे पास सिलेक्शन टूल, हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, हम इसको क्लिक करके हमारे पास जो है प्लेन ड्रा हो चुकी है, और ये जो है हमारे पास हमारा घर, हम इसी पे आगे जाके वर्क करेंगे, हम इसका कोई कलर थोड़ा सा स्लाइटली वी कैन चेंज द कलर। सो अब हम आगे मूव करते हैं तो मुश्किल होगा हमारे लिए कि हम इस ब्लैक कलर के साथ आगे मूव करें, ऑल्दो मटेरियल के ऊपर हमारा एक फॉर्मल टॉपिक है आगे जाके मटेरियल अप्लाई कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती हैं, एंड देन जब अप्लाई कर लेंगे तो उसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस हैं, जो चेंजेस हैं, जो ज्योमेट्रिकल चेंजेस हैं या उसकी थिकनेस बढ़ानी है वो हम आगे जाके फॉर्मल करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग हम थोड़ा सा इस पर इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो विंडोज़ की स्पेस वगैरह निकालने में। सो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्शन टूल मौजूद है, ये आप सिलेक्ट हो चुका है, सो हम M एंटर करेंगे। M जो है ये शॉर्ट की है मटेरियल के लिए, जिस तरह आप नोट करते आ रहे हैं पहले शॉर्ट कीज, तो ये भी आप अपने पास नोट करें M। जैसे ही आप M प्रेस करते हैं तो ये सामने एक न्यू डायलॉग बॉक्स जो है आपके सामने ओपन है, इसमें अब आपने बिल्कुल, मैं इसको सेंटर में लेकर आ रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, ऑल्दो हमने डिटेल मटेरियल पे आगे जाना है। सो जैसे ही हम मटेरियल पे जाएंगे ये डायलॉग बॉक्स हम इसको ये ड्रैग डाउन करके नीचे लेकर आते हैं, सो ये हमारे पास व्यूज़ मौजूद हैं, या अगर हम डायरेक्ट चाहें तो ये बिट मैप की ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे भी, सो हम यहाँ पे बिट मैप पे क्लिक करते हैं, और बिट मैप पे क्लिक करने के बाद ये मेरे अपने मटेरियल मौजूद हैं, डायरेक्ट मैंने उन्हें एक्सेस दी हुई है, वो आपको स्टैंडर्डाइज मटीरियल में लेके जाएगा जो हम जाके मटीरियल के लेक्चर में देखेंगे और वहाँ से हम फर्दर चेंज करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक के बाद आपने मटेरियल अभी अप्लाई की तरफ ज़्यादा नहीं जाना क्योंकि हमें टॉपिक करना है, फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पे कोई भी मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ, और इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन है, हम इसको जो घर है हमारा हाउस है उसको हम सिलेक्ट करके आएंगे ताकि हमारे लिए, ये हमारे पास कंट्रोल A ये सिलेक्टेड है, हम इसको जो है वो असाइन कर लेते हैं, बल्कि हम यहाँ से स्लॉट्स में आके इसे पिक कर लेते हैं, हमारे लिए और आसानी हो जाएगी, यहाँ से डिफ्यूज़ कलर और यहाँ से डिफ्यूज़, यहाँ से बिट मैप, और ये हमारे पास, अब आपको ये डायरेक्ट इस एक्सेस में लेके नहीं जाएगा, ये मेरे अपने D के अंदर मटेरियल्स पड़े हैं ये वहाँ ले गए, आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट C के अंदर ले जाएगा जहाँ पे इसके अपने मटेरियल्स हैं आप वो अप्लाई करें, या आप चाहें तो आप भी इसी तरह मटेरियल के लेक्चर में हम इन डिटेल देखेंगे। हम इसको ओके करते हैं, अब ये हमारे पास जैसे ओके किया सो हम करेंगे असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन,
और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। सो ये हमने व्यू पोर्ट करने के बाद यहाँ से क्रॉस करते हैं और अब आप देखें तो जो है वो कलर चेंज हो चुका है और थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर कलर है जिसमें हम वर्क कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं डोर्स और विंडोज़ की स्पेस की। ये मटेरियल एम एंटर बिट मैप के अंदर जाके हमने थोड़ा सा क्विकली चेंज कर लिया है। फॉर्मल हम लेक्चर करेंगे इसके लिए। अब हमने करना ये है कि विंडो लगानी है, तो विंडो के लिए हमने अब हमारे सामने वॉल मौजूद है, ऑल्दो ये हमारी गेट की वॉल है यानी दरवाज़ा जहाँ से हमारा गेट है, अंदर की वॉल नहीं है। लेकिन इसमें मैं जस्ट आपको मेथड सिखा रहा हूँ कि जब भी आपके सामने एक सॉलिड वॉल नज़र आ रही हो और उसके अंदर से आपने कुछ हिस्सा निकालना हो किसी भी पर्पज़ के लिए, विंडो लगानी है, डोर लगाना हो, तो उसको माइनस कैसे करते हैं। इसके दो मेथड हैं, पहला हम यहाँ पे करेंगे, सेकंड मेथड भी हम इसको अभी देखते हैं। तो ये मेरे सामने सपोज ये वाली दीवार है, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसमें से मैंने किसी भी तरह की विंडो की स्पेस निकाली है। ये डिपेंड करता है अब यहाँ पे जो कमांड हम अप्लाई करेंगे। सपोज मैंने यहाँ विंडो लगानी है किसी भी साइज़ की, 3x6 है, कुछ भी है। सो इसी व्यू में जहाँ पे ये मेरी पॉलीगॉन सेलेक्टेड है, आपने नीचे आना, ये जहाँ पे हमने एक्सट्रूड किया था सेम व्यू में, यहाँ पे कमांड है स्लाइस प्लेन। ये है हमारी एक्चुअली जो हमें जो हमारी ये सरफेस को तोड़ेगी, डिवाइड करेगी। सो आपने क्लिक करनी है स्लाइस प्लेन के ऊपर। जैसे हम स्लाइस प्लेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास स्लाइस प्लेन की जो लाइन है वो अपीयर हो जाएगी हमारी व्यू पोर्ट के अंदर। नीचे ये हमारे पास ऑप्शन, अभी ये 5 feet पे ऊपर है, तो अब क्योंकि विंडो नॉर्मली जब हम लगाते हैं तो वो 3 feet से लगाते हैं, 3 feet। सो हम 3 feet करके और स्लाइस पे क्लिक करेंगे। अब नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं, स्लाइस प्लेन करने के बाद हम ये हाइट भी दे देते हैं और हम स्लाइस पे क्लिक नहीं करते। अगर हम क्लिक नहीं करेंगे तो ये तकसीम नहीं करेगी। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ स्लाइस के ऊपर, तो अब आप नोट करें तो ये लाइन लग गई है। इसका मतलब है कि 3 feet से जो है ये मेरी वॉल कट हो चुकी है। अब इसके दो हिस्से बन गए हैं, एक 3 feet तक और एक 3 feet से ऊपर वाला। अब मजीद हम जब विंडोज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं 3 से 9 तक होते हैं नॉर्मली। तो अब मैं एक और स्लाइस प्लेन करता हूँ, स्लाइस प्लेन पे क्लिक है, हम दोबारा क्लिक कर लेते हैं और अब मैं इसको 9 feet कर देता हूँ, 9 feet और स्लाइस कर देते हैं हम। अब जैसे ही हमने स्लाइस किया, आप नोट करें तो अब ये दीवार नीचे से 3 feet से कटी है, ऊपर क्योंकि 10 हाइट थी तो अब ये दरमियान में मेरे पास विंडो की स्पेस बन चुकी है। बट अब आप नोट करें तो अभी विंडो क्योंकि इतनी भी तो नहीं होती, विंडो दरमियान में भी डेफिनेटली इधर से भी स्पेस होगी, इधर से भी। तो ये मेरे पास थी हॉरिजेंटल स्लाइस प्लेन, अब मैं इसको वर्टिकल भी कर लेता हूँ, काट लेता हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, अब हमें रोटेट करना होगा अपने स्लाइस प्लेन को, ये जो हमारे पास लाइन है। तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो ई की कमांड है। आप जैसे ई का बटन प्रेस करते हैं तो आप नोट करें ये हमारे सामने ऑप्शंस मौजूद हैं, ये रोटेट करने की हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप स्लाइस को जो हमारी हमने ड्रॉ की है हम इसको रोटेट कर सकते हैं। सो यहाँ से जो है आपने ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। सो हम पहले बाहर क्लिक कर लेते हैं और ये हमारे पास सामने स्लाइस प्लेन की ऑप्शन है और ई का बटन प्रेस करके सो हम अपनी जो लाइन है इसको जो है ये आप नोट करें तो ये हमने येलो के ऊपर जैसे क्लिक किया तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर लेके आते हैं और हम इसको वर्टिकल उसमें लेकर आएंगे ताकि हमारे लिए, अब ये नोट करें आप, तो हम इसको वर्टिकल थोड़ा सा और लेके आते हैं और हमारे पास ऑप्शन भी मौजूद हैं। फिर ये हमने इसको इस तरफ लेकर आते हैं। अब ये आप नोट करें यहाँ से आप थोड़ा सा जिस तरफ इसको चाहें मूव कर सकते हैं। अब आपने अगर एग्जैक्टली यहाँ रखनी है यहाँ पे रख लें और अब हम एक स्लाइस यहाँ पे कर लेते हैं। सो ये हमारे पास ऑप्शन है स्लाइस प्लेन और स्लाइस, अब ये यहाँ से भी कट हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ पे जो है अगर W से इसको थोड़ा सा इस तरफ लेकर आ जाते हैं, ये एक्सेस से मैं मूव कर रहा हूँ, जहाँ पे भी आप रखना चाह रहे हैं इसको, यहाँ पे रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप स्लाइस लाजमी करनी है। स्लाइस प्लेन का मतलब है आप तोड़ रहे हैं, लेकिन जब स्लाइस करेंगे तो इंश्योर हो जाएगा कि आपने उसको एग्जीक्यूट किया उस कमांड को। सो अब जैसे ही मैं ये स्लाइस का बटन करता हूँ क्लिक, अब आप नोट करें तो ये जो मेरी वॉल है, अब मैं अगर पॉलीगॉन पे यहाँ पे दोबारा जाके क्लिक करूँ, अब आप वापस आएँ तो आप नोट करें तो ये वॉल कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, जिधर जिधर से मैंने स्लाइस किया है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। अब ये हमारे पास स्पेस है विंडो की, इसको डिलीट कर देते हैं और ये आप फ्रंट और बैक दोनों से डिलीट करेंगे। अब आप नोट करें, ये आप देखें अगर, तो विंडो की स्पेस जो है हमारे पास बन चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसी प्लेस के ऊपर विंडो लगाएंगे। स्लाइस प्लेन और स्लाइस दो कमांड हमने नॉर्मली मेनली इस्तेमाल किए हैं। साइड पे आ जाता हूँ, जिस भी जगह को आपने जहाँ से आपने स्पेस बनानी है, चाहे डोर विंडो की, उसको सिलेक्ट करना है आपने। सेलेक्ट करने के बाद ये आप नोट करें, नीचे आएँ आप, ये हमारे पास ऑप्शन है स्लाइस की, स्लाइस के ऊपर आप क्लिक करेंगे
तो इसके बाद आपने उसको बताना है कि आप कितनी स्लाइस करना चाह रहे हैं और इसके बाद आप स्लाइस पे क्लिक करेंगे। ये एक मेथड है। सो ये हमारा मेथड नंबर वन था। क्विकली हम सेकंड मेथड भी देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई और, ये हमने ऑलरेडी मैंने मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। अब आप नोट करें तो ये प्रीवियस जो हमने पहला मेथड देखा है उसमें हमने इस वॉल में लगाई थी विंडो, जो हमारी गेट की वॉल थी। जस्ट पर्पज था कि आपको आइडिया हो जाए अगर सॉलिड वॉल हो तो आपने स्पेस कैसे निकालनी है। अब इसमें मैंने वो वॉल डिलीट करके डायरेक्ट ड्राइंग रूम की वॉल के ऊपर हम आ गए। सो सेकंड मेथड भी हम देख लेते हैं किस तरह हम ड्रॉ करते हैं। एंड दैट इज फॉर एग्जांपल हम ये सिलेक्ट करके कंट्रोल ए कर लेते हैं अगर सारी वॉल्स कोई करना चाह रहे हैं, और अगर आप सिंपल करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्रेस करके आप उस वॉल को भी क्लिक कर सकते हैं जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, और कंट्रोल प्रेस करके रखें और इनर पोर्शन को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं वॉल के जो आपस में मिलेंगे। सो इसके लिए अगेन हम सेम उसी में जाएंगे, दैट इज स्लाइस प्लेन, और सबसे पहले हम कितना करना चाह रहे हैं 3 feet, तो यहाँ आप 3 feet लिख दें और एंटर करेंगे और हम कर देंगे इसे स्लाइस। तो आप नोट करें 3 feet से ये जो है वो डिवाइड हो चुकी है। अब दोबारा हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं, नॉर्मली विंडो 6 feet हम हाइट रखते हैं, एंटर करें और इसको भी हम स्लाइस कर देते हैं। अब नोट करें तो अब जो है ये दो जगह से स्लाइस हो चुकी है, यहाँ पे हमारी दरमियान में विंडो आएगी और ये वॉल है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पॉलीगॉन को हम दोबारा अनसेलेक्ट करके अब हम यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, आपने नोट करना है। हम क्या करते हैं, हम ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करते हैं पॉलीगॉन सेलेक्ट करके ये वाला, और कंट्रोल प्रेस करके ये वाला, क्योंकि ये दीवार है ऊपर। अब ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे कमांड है ब्रिज की मौजूद। अब जैसे ही हम ब्रिज पे क्लिक करते हैं ये खुद ब खुद वॉल आपस में मिल गई है, आप नोट करें तो ये वॉल जो है ये मिल चुकी है। नीचे से भी हम ब्रिज कर लेंगे, ये स्लाइस करने का पर्पज़ भी ये था कि ब्रिज मींस वो दीवार को आपस में मिला देगा। कंट्रोल प्रेस करके रखें और ये सिलेक्ट कर लें और ब्रिज। तो अब आप नोट करें और यहाँ से हमेशा जो भी कमांड लगानी है ये अपने ओके का बटन लाजमी प्रेस करना है, इसको बगैर वो कमांड। तो अब आप नोट करें तो ये दोनों ब्रिज हो गई हैं और दरमियान में हमारे पास विंडो की स्पेस मौजूद है जो कि हम ऑनवर्ड टॉपिक्स के अंदर जो है वो लगाना सीखेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हमने दोनों तरीक़ेकार देख ली हैं। हमने देखा कि किस तरह हम मेरे पास अगर सॉलिड वॉल हो तो हमने कौन कौन सी कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है, और फिर हमने बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड दूसरे मेथड में ब्रिज की देखी कि हम तोड़ देंगे दीवार को स्लाइस प्लेन से, और फिर हमने ब्रिज की कमांड लगा के दोनों हिस्सों को जोड़ के विंडो की स्पेस जो है दरमियान में वो छोड़ दी है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम विंडो लगाना सीखेंगे।